हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई 12वीं की परीक्षा का परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया गया। ये परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.31% रहा, जबकि स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 65.32% रहा। ये जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हरियाणा विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में इस बार करीब 2,52,000 परीक्षार्थी बैठे थे। ये परीक्षाएं 2 अप्रैल को संपन्न हुई थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड की तरफ से प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 64 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए, जिनमें से 2 से 3 शिफ्टों में रात भर ड्यूटी लगाकर उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार रिकॉर्ड मात्र 27 दिनों में परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव का कहना है कि 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षा में 2,13,504 परीक्षार्थियों में से 1,82,136 उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 6,169 परीक्षार्थी अनुउत्तीर्ण रहे। जबकि इस परीक्षा में छात्राओं की पास प्रतिशतता की बात करें तो 88.14 रही, जबकि छात्रों की पास प्रतिशतता 82.52 रही। खैर, इस परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी को लेकर डॉक्टर वीपी यादव ने पत्रकारों से और कुछ क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा अपर स्कूल और रीअपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है, तीनों फैकल्टीज का, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है, और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है, यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है और राजकीय विद्यालयों की 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावर, तो मैं कहूँगा इसमें जिला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूह जिला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं कैंडिडेट थे उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही, और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 ने उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, टॉपर की बात करें तो कौन टॉपर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है CBSE के तर्ज पे, इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। जी, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए, रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये मान के चलिए कि
ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूँ तो लगातार रूप से 2018 से लेकर, तो उस साल 5064 केस थे UMC के, 2019 में 4444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3551 केस थे, और 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा तो उसमें एकदम ड्रॉप आया, जिसमें 1741 केस थे, और अब 2023 में मात्र 807 UMC केसेस थे। तो अपने आप में ये प्रूव करता है कि नकल पर बहुत रोक लगी है। बच्चों को, शिक्षकों को, सब एक मैसेज गया है कि पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, नकल के बल पर नहीं मिल सकती। 2018 में हमने जैसे 51 दिन में, फिर हमने 44 दिन में, इस तरह से 2022 में 58 दिन में हमने सेकेंडरी का रिजल्ट दिया, 2023 में 52 दिन में दिया था, और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया। तो ये हमारे आंकड़े हैं इस मामले। ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की, BLOs की ड्यूटी लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन से भी लेटर आया है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत जल्दी हम परीक्षा परिणाम इसका भी जारी करेंगे। जो समय होता है उससे पहले जारी होगा। ये नहीं, देखिए हम 15 मई को हमेशा लेकर चलते हैं डेडलाइंस की, और मैं समझता हूँ कि 15 मई से पहले पहले हम उस परिणाम को भी घोषित कर देंगे। सर, आज जो परिणाम घोषित में रिजल्ट कितने बच्चों का वेटिंग है या सभी का? देखिए, ऑन एन एवरेज जितना हमारा रिजल्ट होता है, मान लीजिए कुछ रिजल्ट है RLE होते हैं ड्यू टू एलिजिबिलिटी है, कोई अवार्ड्स की वजह से है, तो अगर देखा जाए तो हमारा 300-800-500 बच्चों का इस तरह का रिजल्ट, लाखों में जब बच्चे कैंडिडेट हैं तो 400-500 का रिजल्ट तो हमेशा इस तरह से रुक जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास डेटाज आते हैं, एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो उसके तुरंत विद इन 3-4 डेज या वीक में हम उनका रिजल्ट दे देते हैं।